रिकॉर्ड कौन करेगा? डर तो मुझे ही लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। ये कहानी है हौसले की उड़ान की, ये कहानी है जर्रे से आसमान की, ये कहानी है एक किसान के बेटे की। हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की पांवटा साहिब तहसील में कुदरत की गोद में बसा छोटा सा गांव मंधारा। झील जैसा शांत वातावरण और झरने से निर्मल व निर्छल लोग, यहीं से शुरू होती है कामयाबी का सबक सिखाने वाली एक गाथा, लक्ष्मीदत्त शर्मा की गाथा। किसान मां बाप के घर पांच बहनों और दो भाइयों में से छठी संतान है एंडी शर्मा। पास के गांव बिरला से प्राइमरी तक की शिक्षा पूरी की। मंधारा के ज्यादातर बच्चे उस समय आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे क्योंकि सबसे नजदीक का स्कूल कोई 10 किलोमीटर दूर था और आवाजाही का कोई साधन नहीं। पर ये दूरी नन्हे लक्ष्मी को ना तो डरा सकी और ना ही थका सकी। अगले 5 वर्ष तक 10 किलोमीटर जाने और 10 किलोमीटर वापस आने का सफर रोजाना पैदल तय किया और 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के लिए लक्ष्मी बड़े भैया के पास पांवटा साहिब आ गए और यहाँ के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की। लक्ष्मी सुबह स्कूल जाते और वापस आने के बाद भाई के साथ ढाबे पर काम में हाथ बटाते ताकि उनकी पढ़ाई और घर का खर्च चलाने में कुछ मदद हो सके। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बीकॉम की पढ़ाई करने के लिए नाहन के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया, पर घर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बीच में से ही फौज में भर्ती हो गए। इस पर भी अड्डी ने पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ा और आर्मी में रहते हुए ही बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। जिंदगी ने एलडी के लिए कुछ और ही सोच रखा था। आर्मी में रहते ही उन्होंने एमबीए की पढ़ाई शुरू कर दी। उनके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। 6 साल 10 महीने आर्मी के बेंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में गुजारने के बाद एलडी ने इस्तीफा दे दिया। बहुत से मुश्किलों का सामना करते हुए जैसे तैसे एमबीए की पढ़ाई भी पूरी कर ली। अब दिल्ली को अपनी कर्मभूमि बनाया और कई तरह के कामों में हाथ आजमाया, पर ना तो इच्छा अनुसार कामयाबी मिली और ना ही इंटरेस्ट बना। फिर किस्मत एलडी को नौकरी के लिए एमटी यूनिवर्सिटी ले आई। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई उनकी जीवन संगिनी आंशुल शर्मा के साथ। अक्सर कहते हैं कि वो बहुत किस्मत वाले थे कि आंशुल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाए। आंशुल कसौली के एक मध्यवर्गीय परिवार की बेटी है। उनका रिश्ता परवान चढ़ा और 20 जून 2002 को एलडी और आंशुल सदा सदा के लिए एक हो गए।